मेरा नाम चित्रा प्रीतम है। जमील नक्श एक बहुत बड़ा नाम और हमारे मुल्क का ऐसा सितारा जो दुनिया फ़न पे इनकी कोई मिसाल नहीं है। जमील नक्श के पे बात करना कोई आसान बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फ़न मुसव्वरी के उस मंज़र में जाना पड़ेगा जहाँ दुनिया फ़न के कमाल के मुसव्वर गुज़रे हैं, जिसमें पॉल सेज़ान, पिकासो, मातीस और अमेरिका से जैक्सन पोलाक और एंड्रू वेद, पाकिस्तान से जमील नक्श, ये वो दुनिया फ़न के बड़े नाम हैं जिनकी वजह से फ़न में एक बहुत बड़ा मार्का सरंजाम जिन्होंने किया है उसमें जमील नक्श का काम हमेशा फ़न दुनिया में इतर के तौर पे पहचाना जाएगा। मैं समझता हूँ कि उनका काम इस लेवल और मकाम के ऊपर जब उनको शाकिर अली साहब, अजीम मुसव्विर हमारे शाकिर अली साहब ने उनके एजाज़ में अपने ब्रश और कैनवस उनके नाम किए और अपने ब्रश तोड़ दिए, और इसी तरीके से बहुत सारे शोरा ने भी, एक गालिब ने भी एक शायर को इसी तरह ट्रिब्यूट दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये अजीम लोगों की निशानियाँ हैं। और हमारे पाकिस्तानी आर्ट में हमेशा देखा जाए तो जमील नक्श का काम इतर के तौर पे पहचाना जाएगा, उनका काम हमेशा ज़िंदा रहने वाला है और इससे बेपनाह आर्टिस्ट अपने आप को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। उनका म्यूज़ियम उनकी एक बहुत बड़ी दलील है जिनमें आके हम उनका काम देखकर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया। मेरा नाम आमरा अली है, मैं आर्ट क्रिटिक और क्यूरेटर हूँ और मेरी मुलाकात जमील साहब से बहुत सालों पहले हुई थी और बड़ी लंबी मुलाकात हुई, कुछ लिखा उन पे, एंड आई थिंक हिज अर्ली वर्क वाज समथिंग आई वाज एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड विद, जो उन्होंने पिजन्स का काम किया, न्यूड्स का काम किया और मोनोक्रोमेटिक काम था, और अल्लाह करे कि यू नो हम लोगों में इतना सलाहियत हो कि हम इस काम को संभाल सकें, ये हमारी फ्यूचर जेनरेशंस के लिए कहीं जमा हो जहां वो देख सकें। किसी भी मुल्क के लिए उसके फ़नकार उसका सबसे बड़ा सरमाया होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जमील के जो बच्चे हैं उन्होंने बड़े एहतमाम और मोहब्बत के साथ इस म्यूज़ियम को बनाया है और हम आज उनको याद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैंने उनका हर दौर देखा है और अब ये बात साबित हो चुकी है कि उनका शुमार हमारे मुल्क के बेहतरीन फ़नकारों में था, और जिस तरह से इन बच्चों ने उनकी चीज़ों को रखा है, इस तरह का डिस्प्ले हमारे यहाँ बहुत कम होता है, लेकिन ये सेज़ान को ये पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सब किया, और यहाँ लोग आते हैं उनकी तस्वीरों को देखते हैं और फिर वो उनका जो ज़हनी इर्तिका का जो है रास्ता, उससे हम उसको देखते हैं कि उनके आर्ट में कितनी तब्दीली आई, कहाँ से कहाँ उन्होंने वो पहुँचे, और यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी होती है, हम उनको अच्छी तरह याद करते हैं और खुश होते हैं कि हमारे मुल्क में एक ऐसा फनकार था।
Assalamu alaikum ji. I'm here at the gallery at the Museum of Jameel Naqsh today. We are here to light a candle to honor the great legend of Pakistan, who not only marked his canvases for Pakistan, but was truly an international icon. Jameel Sahab was a master of his era, not only for Pakistan, but I think within the subcontinent he was regarded as one of the legends of the art world. He is being truly missed. Jameel Sahab, we miss you, and we hope that your work is hung on the walls and people can come and appreciate for years and decades to come. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम निघत मीर है और मैं जमील साहब के काम को बहुत बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ. जमील साहब की बड़े सालों से उनकी एक मुनफरिद स्टाइल है और ये स्टाइल बहुत लोगों में मशहूर है कि ये इनकी ड्राइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनके स्ट्रोक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इनके सब्जेक्ट्स जिस तरह उनको इंटरप्रेट करते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस वक्त जब ऑनर कर रहे हैं हम सब जमील साहब को, तो इट्स अ वेरी सैड एट द सेम टाइम अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस. अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. टुडे जमील नक्श फैमिली फ्रेंड्स and his admirers have gathered at Jameel Naqsh Museum to light a candle in the memory of one of the greatest artists this country has ever produced. Jameel Naqsh will always be remembered through his huge array of immortal art. He will always be a source of inspiration and guidance for the serious minds.